हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 19 मई 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही साथ मेरे द्वारा राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस न्यूज रक्षा समाचारों की। द इंडियन नेवी हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड ए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, अचीविंग ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन टू एनहांस इट्स एंटी एयर वारफेयर कैपेबिलिटी। द टेस्ट फायरिंग ऑफ द मिसाइल वॉज अंडरटेकन ऑन द वेस्टर्न सीबोर्ड बाई इंडियन नेवल शिप्स कोची एंड चेन्नई। भारतीय नौसेना ने अपनी एंटी एयर वॉरफेयर क्षमता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल करते हुए मध्यम दूरी की सतह में से हवा में मार करने वाली मिसाइल तक सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारतीय नौसैनिक बेड़ा कोच्चि और चेन्नई द्वारा पश्चिमी समुद्र तट पर मिसाइल का परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट, द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप विग्रह डी कमीशन एट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। इट इज ए फ्रंटलाइन ऑफ शोर पेट्रोल वेजल OPV। इट वॉज कमीशन इन टू सर्विस ऑन April 12, 1990। इट हैज प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन प्रोटेक्टिंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया फॉर 29 ईयर्स ऑफ सर्विस फ्रॉम 1992 to 2019। भारतीय तट रक्षक जहाज ICGS विग्रह को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में से मुक्त किया गया। यह एक फ्रंटलाइन ऑफशोर गश्ती पोत OPV है। इसे 12 अप्रैल 1990 को सेवा में कमीशन किया गया था। इसने 1990 से 2019 तक 29 वर्षों की सेवा में भारत के पूर्वी तट की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट बात करते हैं समिटल सम्मेलन जो कि हो गए हैं उनकी। तो द थर्ड राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस बिटवीन इंडिया एंड बोट्सवाना वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। The Indian side was led by Joint Secretary East and Southern Africa in the Ministry of External Affairs, Dr. Nina Malhotra. The Botswana side was headed by Deputy Permanent Secretary in the Ministry of International Affairs and Cooperation of Botswana Government, Tapiwa Mongwa. भारत और बोट्सवाना के बीच विदेश मंत्रालयों के वार्ता का तीसरा दौर नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पूर्व और दक्षिणी अफ्रीका के सचिव डॉ. नीला मल्होत्रा ने किया। बोत्सवाना के पक्ष का नेतृत्व बोत्सवाना सरकार के अंतर्राष्ट्रीय मामलों और सहयोग मंत्रालय में उप स्थायी सचिव तपिया मोंगवा ने की। नेक्स्ट, द 11th ज्वाइंट कंसल कमेटी मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड ईरान टुक प्लेस इन न्यू दिल्ली। The meeting provided an opportunity to review the status of ongoing cooperation in consular and visa related issues and to discuss ways and means to further expand pupil to pupil contact and promote friendly exchange between India and Iran. भारत और ईरान के बीच 11वीं संयुक्त कॉन्सुलर समिति की बैठक नई दिल्ली में हुई। बैठक ने काउंसुलर और वीजा संबंधित मुद्दों में चल रहे सहयोग की स्थिति की समीक्षा करने और लोगों और से संपर्क बढ़ाने और भारत और ईरान के बीच मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। नेक्स्ट बात करें अवार्ड्स पुरस्कारों की, तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कन्फर्म ससक्वा अवार्ड 2019 फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन टू डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द अवार्ड वॉज अनाउंस्ड एट द अवार्ड सेरेमनी ड्यूरिंग द ऑनगोइंग 6th सेशन ऑफ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2019 एट जिनेवा।
आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने भारत के प्रधानमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए ससकावा पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया है। जिनेवा में ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2019 के 6वें सत्र के दौरान पुरस्कार समारोह में इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं रैंक्स एंड रिपोर्ट, रैंकिंग रिपोर्ट्स की। तो द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई इन इट्स रिपोर्ट रिवेल्ड दैट अबाउट 35% ऑफ इंडियाज टोटल ग्रेफाइट रिजर्व आर फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश, दिस इज द हाइएस्ट फाउंड इन द कंट्री। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत के कुल ग्रेफाइट भंडार का लगभग 35% अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। यहाँ देश में सबसे अधिक ग्रेफाइट पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचारों की। तो 10 मिलियन US डॉलर्स और ए टाइटल मोर देन 70 करोड़ रुपीज आर ऑन ऑफर इन द अपकमिंग आईसीसी मैंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019। द 46-day टूर्नामेंट विल बी प्लेड अक्रॉस 11 वेन्यूज इन द यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम 13 मई। बिसाइड ए ट्रॉफी द वर्ल्ड कप विनर विल अर्न ए कैश अवार्ड ऑफ 4 मिलियन US डॉलर्स अबाउट 28 करोड़ रुपीज which is the highest prize money on offer in the history of the tournament. 10 million American dollar या 70 करोड़ रुपए से थोड़ा अधिक आगामी आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्रदान किए जा रहे हैं। 40 दिवसीय टूर्नामेंट 30 मई से यूनाइटेड किंगडम में 11 स्थानों पर खेला जाएगा। एक ट्रॉफी के अलावा विश्व कप विजेता लगभग 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 28 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार अर्जित करेगा, जो टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे अधिक पुरस्कार राशि है। और आइए बात करते हैं लास्ट और नेक्स्ट न्यूज ऑब्ट्यूरिज निधन की। तो वेटरन तेलुगु एक्टर रला पप्पली वेंकट नरसिम्हा राव पास्ड अवे इन हैदराबाद फॉलोइंग ए क्रेडिक अरेस्ट। ही वाज 74 years old। ही वाज ए 5-time विनर ऑफ द प्रेस्टिजियस नंदी अवार्ड इन अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश। दिग्गज तेलुगु अभिनेता रलापल्ली वेंकट नरसिम्हा राव का हैदराबाद में हृदयाघात के बाद निधन हो गया। वह 74 वर्ष के थे। वह अविभाजित आंध्र प्रदेश में प्रतिष्ठित नंदी पुरस्कार के 5 बार के विजेता थे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल और साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।